जैसे स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है, इंटरेस्टिंग होती जा रही है, चाओ लैंग ने बचपन से ही यही ख्वाब देखा है कि वो बड़ा होकर इस एकेडमी के अंदर आएगा और वो इसी स्कूल से ट्रेनिंग हासिल करना चाहता है और इसी स्कूल से वो सब कुछ सीखेगा जो वो ये सीखना चाहता था। और अचानक से उसे ये पता लगता है कि अगर उसने अपनी पावर यूज़ की तो वो अपने आप को ही मार देगा। तो अब चाओ लैंग क्या करने वाला है तो देखते हैं। तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। तो लेट्स गो स्टोरी टाइम। टीचर शामु कह रहे होते हैं, तुम इस साल एग्जाम मत दो, अगले साल देना। मैं और डायरेक्टर तुम्हारी जरूर हेल्प करेंगे एग्जाम में, और अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुम अपने आप को ही तकलीफ पहुंचाओगे। और पर्पल ड्रैगन भी उससे यही कह रहा होता है कि तुम्हारा टीचर बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें उसकी बात मान लेनी चाहिए और इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, तुम्ही को अपनी हेल्प करनी होगी, मतलब कि तुम्ही को कुछ फैसला करना होगा और तभी तुम्हारी जान बच सकती है और तुम ही अपनी जान बचा सकते हो। जो तुम्हारी बॉडी है जो इतनी पावरफुल पावर को कंट्रोल में नहीं रख सकती, मेरी बात को समझो, तुम्हें रेस्ट की बहुत ही जरूरत है। और ये सुनने के बाद चाओ लैंग तो बहुत ही टूट जाता है और बहुत ही उदास होता है। उसी वक्त वाइट चिकन आता है और उसके कंधे पे हाथ रखता है, क्या हुआ? दरअसल पिछले शामू ने चाओ लैंग से टेलीपैथिक से ही बात की थी, तो इसीलिए किसी ने भी टीचर शामू की कोई बात नहीं सुनी थी और इसी वजह से तो इसलिए वाइट चिकन को कुछ नहीं पता होता कि चाओ लैंग क्यों उदास है। और वाइट चिकन कहता है, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम्हें आराम करना चाहिए, चलो हम आराम करते हैं। अब या भी जा रही होती है, उसकी उसी पर नज़र होती है चाओ लैंग पर, और चाओ लैंग भी बड़े उदास मूड में वहाँ से चलने लगता है। और बीन भी उसे देखती है और कह रही होती है, इसे क्या हुआ है, ये इतना उदास क्यों है? और फिर चाओ लैंग को दिखाते हैं जो बेड पर लेटा हुआ होता है और उसी बातों को सोच रहा होता है जो पपेट ने उसे पहली बार मिलकर ये सारी बातें कही थी कि तुम्हारी बॉडी बहुत ही वीक है, तुम इन दो पावर को हैंडल नहीं कर सकते और अगर तुमने गलती से भी इसे यूज़ किया तो तुम मर जाओगे। से सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं, पर चाओ लैंग कहाँ पर हार मानने वाला है। वो कहता है, मैं फैन टैंग की तरह हीरो बनूंगा क्योंकि वो बचपन से ही फैन टैंग का बहुत ही बड़ा फैन है और वो उन्हें बहुत ही मानता है और वो हमेशा से ही उनके जैसा बनना चाहता है और वो उनकी तरह ही हार मानने वालों में से नहीं है। और कहता है, मैं कुछ भी करूँगा पर मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर वो जब करवट लेता है तो उसके हाथ में वही की होती है और उसे फिर अपने वो अच्छे मोमेंट्स याद आते हैं जब वो उन बुरे लोगों को मार रहा था और जब उसके पास एक कॉइन्स था और वो अपने अच्छे पल को याद कर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो वो सिर्फ एक ही नाम लेता है, बी लिंग लॉन्ग, उसे सिर्फ यही नाम याद आता है क्योंकि उसे लगता है मुझे इससे पावर मिलेगी, अब इससे क्या होने वाला है ये तो हमें आगे ही वक्त में पता लगेगा। और जब वो बेड से खड़ा होता है तो वो बीन से कहता है, मैं कुछ टाइम के लिए बाहर की तरफ जा रहा हूँ। और बीन बेड पर लेटी हुई होती है पर दिखाई नहीं देता कि वो बीन है भी कि नहीं, और वो बाहर की तरफ निकल जाता है। पर हमें तो अच्छे से पता है कि बीन तो वहाँ पर है ही नहीं, वो हमेशा रात के वक्त भाग जाती है। और फिर चाओ लैंग को दिखाते हैं जो पहाड़ियों के रास्ते से होकर कहीं जा रहा होता है और चाओ लैंग वहाँ तक पहुँच गया होता है जहाँ उसे जाना था, पर वो बहुत ही थका हुआ फील कर रहा होता है। और फिर वहीं पर वही मिस्ट्री पपेट आता है और चाओ लैंग यानी के इसी से मिलने के लिए आया है। और चाओ लैंग उसे कहता है, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ यही कहूँगा, मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि मैं अपनी स्पीड पावर को स्ट्रॉन्ग कर दूँ। चाओ लैंग और वो पपेट दोनों एक साथ जा रहे होते हैं कहीं पर और चाओ लैंग पपेट से कहता है, क्या हम दोनों बी लिंग लॉन्ग को ढूंढ रहे हैं यहाँ पर? मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर होगा।
और फिर पपेट एक जगह पर रुकता है और कहता है, मुझे वो की दो। और फिर चाउलिंग उसे वो की दे देता है और स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। चाउलिंग ने पपेट को वो की दे दी है, अब क्या होगा ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो जब तक के लिए बाय बाय।